ओके टुडेस टॉपिक इज डी मोबिल्स थ्योरम। डी मोबिल्स थ्योरम क्या दिया, उसकी स्टेटमेंट क्या है, कहता है इन एन इज एनी इंटीजर। एन एक क्या है, इंटीजर। इंटीजर बोला तो इसका मतलब क्या हो गया, वो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और जीरो भी है, क्लियर। तो देन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर एन इक्वल्स टू क्या आती है, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। आपने पढ़ा था ना पोलर फॉर्म, ये है ना पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म की पावर अगर इंटीजर है तो हम क्या लेते हैं, उस पावर को हम एंगल के साथ लगा देते हैं, समझे आप। डायरेक्टली हम इसको इस मतलब जैसे अगर हम ऐसे लिखें, और जैसे आपका विचार कर सर अगर ऐसे होना कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये पावर टू है, तो हम डायरेक्टली क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू थीटा प्लस आयोटा साइन टू थीटा, ये लिख देंगे डायरेक्ट। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगाएंगे, कह दीजिए बड़ा फॉर्मूला लगा दें, तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगाते हो तो भी यही आएगा, समझे आप। तो मतलब जी वो कि जी इसके इक्वल आते हैं ना, कितना फॉर्मूला हमारे पास शॉर्ट हो गया, देखिए अपन की डी मोबिल्स थ्योरम ही है। डी मोबिल्स थ्योरम की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं, बट हम प्रूव करके देंगे जो ये किया गया ये पॉसिबल है या गलत है, ठीक है ना। तो क्या लेंगे हम, जैसे लिया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर एन इक्वल्स टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो उसके बाद सेकंड पार्ट क्या दिया, ये तो क्या था इंटीजर, मतलब यहाँ पे टू पॉजिटिव हो माइनस टू हो या जीरो क्यों ना हो तब भी यही आते थे। उसने कहा आगे जो थर्ड पार्ट दिया है, एन इज ए फ्रैक्शन, एन क्या है फ्रैक्शन है, देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर एन इज कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। मतलब कहते हैं अगर फ्रैक्शन भी होगी तब भी ये कंडीशन पॉसिबल है, ओके समझे, हमें ये प्रूव करना है, क्लियर हो गया। डी मोबिल्स थ्योरम क्या कहती है, हम प्रूव करते हैं केस बन लिया। केस बन में कहते हैं व्हेन एन, तो जो ये पहला पार्ट है इंटीजर है तो इसका मतलब इसको तो तीन केस में डिवाइड करना है ना। तो पहला पार्ट है वो क्या दिया, एन क्या इंटीजर दिया, तो हम इसको कितने केसेस में डिवाइड करना है, तीन केसेस में। तो पहला केस क्या दिया, कहता है व्हेन एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जब एन क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम कहते हैं वी यूज इंडक्शन मेथड टू प्रूव द रिजल्ट। पता है ना आपको, आपने आपने नहीं पढ़ा हुआ है मैथमेटिकल इंडक्शन, आपने पढ़ा हुआ मैथमेटिक्स, लेकिन अभी आपका आपका चैप्टर थर्ड है। मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि हमें कोई भी चीज़ प्रूव करनी हो मैथमेटिकल इंडक्शन से ही करते हैं हम, कि भाई हम पहले क्या लेते हैं पावर, पहले बन लेते हैं एन को, बन लेते हैं फिर एन को कोई के लेते हैं, ठीक फिर उसका के प्लस बन लेते हैं, जिन तीनों मिशनों पर सेटिस्फाई होगा प्रूफ होगा तब जाके ये रिजल्ट प्रूफ होगा, क्लियर। तो हमें क्या किया, हमने इसको इंडक्शन मेथड लगाया, क्या किस पे, कहता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर एन इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर वन। क्या लेंगे, फॉर एन इक्वल टू वन, पहले हम एन को क्या लेते हैं वन लेते हैं, मैं एन को अगर वन लूँ तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसकी जगह पे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर वन है ना। अच्छा ये किसकी इक्वल आएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, किसी की भी पावर वन हो तो वो क्या रहती है, वैसी वैसी रहती है। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, विच इम्प्लाइज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर वन इक्वल टू कॉस ऑफ वन इंटू थीटा, लिख सकता हूँ मैं प्लस आयोटा साइन इंटू साइन ऑफ क्या आएगा वन इंटू थीटा, क्लियर हो गया ना। और हमने इनको वन दे दिया, ऐसी फॉर्म बन रही है, इसका मतलब क्या हो गया, therefore the result is true for n equals to 1, मतलब result क्या है true है जब हमने n को क्या लिया 1 लिया। अब क्या करेंगे हम, सिमरन याद है कुछ क्या स्टेप लेते थे अगला, assume करते थे हम है ना। now we assume that the रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, हम क्या कहते हैं अज्यूम करते हैं, मतलब खुद से मानते हैं कि भैया रिजल्ट क्या है ट्रू है। तो क्या करेंगे, देयरफॉर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर एन ही, अब क्या लेंगे हम के, इसको आएगा कॉस के थीटा प्लस आयोटा साइन के थीटा, ये नंबर टू रखी मैंने, ओके। नाउ अब हमें क्या प्रूव करना है,
Now we will prove n equals to a plus 1. Now we will prove the result is true. Result is true for n equals to k plus 1. हमें क्या prove करना है? वो तो हमें assume किया कि ये true है. लेकिन prove क्या करना है? ये true है. अगर ये true हुआ तो समझो ये automatically true होगा. Clear? तो इसको true करते हैं. मतलब क्या हुआ कि हमने क्या लेना है? cos theta plus iota sin theta की whole power k plus 1. पहले इसको समझना. मैथमेटिकल में यही एक स्टेप है जो थोड़ी सी टेंशन क्रिएट करता है, बाकी सारा सिंपल है. क्लियर? तो क्या आएगा, जैसे ये दिया ना हमने cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की होल पावर k इनटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं हम. ठीक है, ये हमारे पास आया. अब क्या आया यहाँ पे, अब cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, देखो सेकंड किसके इक्वल है, cos k theta plus iota sin k theta है ना, into cos theta plus iota sin theta power बनने, तो हम ऐसे नहीं देते हैं. पर यहाँ पे क्या अप्लाई किया था, यूजिंग सेकंड जे वाले अप्लाई करते हैं. क्लियर, समझ आया, ये वाले अप्लाई की. तो जब अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, करिए मल्टीप्लाई, cos k theta into क्या आएगा, cos theta plus iota sin theta प्लस आयोटा के थीटा इनटू क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. क्लियर, इसकी मल्टीप्लाई करो क्या आता है, कॉस के थीटा इनटू कॉस थीटा. क्लियर, फिर आएगा प्लस आयोटा कॉस के थीटा इनटू साइन थीटा. क्लियर, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे हम, प्लस आयोटा k theta into cos theta plus iota into iota क्या आ जाएगा, iota square. clear, ये क्या आएगा, sin k theta into sin theta. समझे आप, अब क्या लेंगे हम, ये आ गया cos k theta into cos theta, मतलब रियल वाले अलग करेंगे और इमेजिनरी अलग करेंगे, इमेजिनरी मतलब आयोटा वाले अलग करेंगे. ये आयोटा स्क्वायर है, क्या आ जाएगा, माइनस वन, माइनस वन आ गया, इसका मतलब ये क्या बन गया, रियल बन गया. क्या मैं इसको माइनस यहाँ पर लिख सकता हूँ, साइन के माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा. ठीक है, फिर यहाँ से आयोटा कॉमन निकाला, मैं पहले साइन वाले टर्म रखता हूँ, क्या लिखा, साइन के थीटा इंटू cos theta plus cos k theta into sin theta. आपको पता है ये फॉर्मूला किसके इक्वल आता है, ये आता है cos a cos b minus sin a sin b, ये आता है cos of a plus b के इक्वल आता है, प्लस iota sin a cos b plus cos a sin b आता है sin a plus b. ओके, मतलब क्या होता है, ये जो एंगल है ना ये सेम रहेगा, अगर इधर प्लस है तो इधर प्लस आएगा, अगर इधर माइनस है इधर माइनस आएगा. ठीक, ये याद रखना, फॉर्मूले लिखने की जरूरत है मुझे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, मैं कल भी आपको लिखवाया था ये फॉर्मूला है ना. तो ये क्या आया, अब ये हमारे पास क्या आया, यहाँ पे बोलो के प्लस वन, यहाँ से थीटा का मैंने निकाला, निकाल सकते हम, प्लस आयोटा साइन के प्लस वन इंटू थीटा का मैंने निकाला. कोई क्वेश्चन, देखिए इसकी वैल्यू मिली हमें cos थीटा है ना प्लस आयोटा sin थीटा की पावर k प्लस 1, हमने लिया पावर में था तो रिजल्ट कहाँ पे आ गया, देखो आगे रहा हमें, इसका मतलब क्या होगा, therefore the result is true for n equals to k प्लस 1 by method of induction the result is true for any
पॉजिटिव इंटीजर, समझे आप? उसने कहा द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज टू के प्लस वन, ठीक है। तो कहते हैं देयरफॉर बाय मैथमेटिकल डेक्शन, मैथमेटिकल डेक्शन हमें अप्लाई की, कहते हैं उसमें द रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट ट्रू है जो हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया था। क्या लिया था? पॉजिटिव इंटीजर, वो क्या है? ट्रू है, क्लियर। अब इसके बाद क्या है? केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या लेंगे हम? व्हेन एन इज ए नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, व्हेन एन इज ए नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर हो तो क्या करेंगे हम भाई? अगर ये लेट करते हैं भाई, एन को क्या लिया? माइनस एम लिया, एन को क्या लिया? माइनस एम। बट एम क्या चीज है? एम इज ए पॉजिटिव, एम पॉजिटिव इंटीजर है, ये एम क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमने एन को क्या लिया? एन नेगेटिव बना, माइनस एम लिया, भाई एन कहा, एन को कहता हूँ नेगेटिव है, पावर एन, ठीक है, समझे आप? ये क्या आ गया? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n, ही जाओ क्या लेंगे हम? माइनस एम, जब माइनस एम तो क्या मैं इसको वन अपॉन cos थीटा प्लस आयोटा थीटा की पावर m लिख सकता हूँ। yes. अब ये m क्या पॉजिटिव है, क्या j वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं? तो ये क्या आ जाएगा? वन अपॉन सिमरन, समझ आ रहा है? cos m theta plus iota m, ठीक, ये क्या आएगा? रैशनलाइज करेंगे, 1 upon cos of m theta plus iota m theta, ठीक है, इनटू क्या आएगा? cos minus iota upon minus iota m theta, तो ये क्या आ गया? cos m theta minus iota sin m theta upon a minus b, a plus b into a minus b, cos m theta, ठीक है ना, cos m theta का square minus iota sin m theta का whole square, ठीक है, ये क्या आ जाएगा? cos थीटा माइनस आयोटा, ऐसे देखो मैं इसको, प्लस आयोटा साइन, सॉरी प्लस आयोटा माइनस साइन एम थीटा, क्या ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ मैं? ये आ गया कॉस स्क्वायर एम थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर एम थीटा, ठीक है, तो ये क्या बन गया? ठीक है, ये आ गया, इसको मैं cos ऑफ माइनस एम थीटा लिख सकता हूँ, प्लस आयोटा, ठीक है, साइन ऑफ माइनस एम थीटा, क्यों? रीजन क्या देंगे हम? cos माइनस थीटा क्या आता है? cos थीटा आता है कि नहीं आता है? साइन माइनस एम थीटा क्या आता है? माइनस साइन एम थीटा, है ना, इसको लिख दिया। अब नीचे ये जी क्या कंडीशन बन रही है? कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा, तो हम इस पैसे लिख सकते हैं कॉस इस एम की जगह पे, कॉस इस एम की जगह क्या लगा देंगे? एन लगा देते हैं, क्योंकि हमें गिवन दिया हुआ माइनस एम की, एम की जगह माइनस एम की जगह पे प्लस आयोटा साइन एन थीटा होल अपॉन वन, समझे? क्योंकि ये आइडेंटिटी है, थीटा सेम है तो वन के इक्वल आएगा,
आएगा नहीं कॉस के थीटा साइन थीटा, यहाँ पे भी एम होता है यहाँ पे एम होता है, यहाँ पे एम होता है यहाँ पे एन होता है, फिर नहीं होता है वन, समझे आप। सेम एन टू क्या देखिए सेम देखिए तभी वन आता है, तो क्या लिखा ये आएगा देयरफॉर, किसकी बात निकली हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन इक्वल्स टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। मतलब हमने क्या किया, हमने कहा हमने पहले पॉजिटिव लिया था तो हमने प्रूव कर दिया, अब हमने क्या लिया नेगेटिव लिया तो भी हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है कोई क्वेश्चन, ठीक है। अब केस थर्ड, केस थर्ड में क्या दिया है, व्हेन एन इक्वल्स टू जीरो, व्हेन एन इक्वल्स टू जीरो क्या है, देयरफॉर मैं क्या लिखता हूं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन है ना, क्या ले रहा हूँ मैं इसको, जीरो जीरो है ना थीटा पावर जीरो, मैं इसको क्या लेता हूँ यहाँ पे जीरो लेता हूँ। ओके जी हमने क्या लिया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर जीरो, तो आपको पता है एन थीटा इक्वल जीरो इज वन राइट, वन है तो क्या मैं इसको जीरो वन प्लस आयोटा इंटू जीरो लिख सकता हूँ, आयोटा इंटू जीरो क्या जीरो, जीरो प्लस वन क्या आएगा वन आएगा। अब ऐसा है क्या आपको पता है, क्या मैं इसको कॉस जीरो लिख सकता हूँ प्लस आयोटा साइन जीरो लिख सकता हूँ, कॉस जीरो कितना आता है वन, साइन जीरो कितना आता है जीरो, तो क्या लिया था हमने, हमने क्या जीरो इंटू मैं जीरो इंटू जी जीरो लिखा, अगले स्टेप में करते हैं हम, क्या मैं इसको कॉस जीरो इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन जीरो इंटू थीटा लिख सकता हूँ, पॉसिबल है कि नहीं है, यहाँ पर क्या आ जाएगा देयरफॉर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की और पावर जीरो, तो क्या रिजल्ट है हमारे पास कॉस जीरो थीटा प्लस आयोटा साइन जीरो थीटा, कोई डाउट फ्रॉम ऑल केसेस वी गेट, फ्रॉम ऑल केसेस वी गेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर एन इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, समझे आप, कहते हैं हमें सभी केसेस से क्या मिल रहा है, हम कॉस पावर एन थीटा है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर एन है, तो क्या आता है हमारे पास कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा के इक्वल आ रहा है, मतलब हमने पॉजिटिव लिया तो भी वही आ रहा है, नेगेटिव लिया तो भी आ रहा है, जीरो लिया तो भी, मतलब इंटीजर पे, इंटीजर पे एक ही कंडीशन होती है,